तुम में से चाय कौन कौन पीता है? यस या नो में आंसर दो अगर तुम पीते हो तो। ठीक है, क्यों, मेरे पास एक सवाल है और मैं तुम्हें एक स्टोरी बताऊंगा। ठीक है, ओके ओके, तो मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, लड़का लड़की रिलेशनशिप में आते हैं तो ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जिससे लड़का लड़की को और लड़की लड़के को जज करे बहुत ज्यादा? अब लड़का है जैसे, सपोज वो बहुत ज्यादा शराब पीता है, ठीक है, बहुत ज्यादा पार्टी वार्टी करता है, तो उसकी जो बंदी है, जो लड़की है, वो जज कर सकती है उसे बहुत ज्यादा कि मैंने तो इस इंसान को ऐसा नहीं सोचा था, राइट? ये कर सकते हैं। अब कोई लड़की है भाई, वो बहुत रूड है वेटर्स के साथ, बहुत रूडली बात करती है बाकी लोगों के साथ जो इतने फॉर्चुनेट नहीं है लाइफ में उनके साथ, ये तो लड़का उसको जज कर सकता है। तो तुम्हें पता है मैंने एक लड़की को सबसे एक्सट्रीमली जज किस चीज में करा है? किस चीज को देख के भाई मेरे को ऐसे घिन आ गई थी और मेरे को लग रहा था ये इंसान कौन है, ये एलियन वेलियन है क्या? आई वाज लाइक ये क्या देख रहा हूं मैं। तुम्हें पता है वो चीज क्या थी? नहीं नहीं, हाइजीन वाइजीन कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये था कि एक लड़की थी, तो हमारी ऐसी बात हुई कि भाई मैं, मेरे कुछ दोस्त वोस्त थे, एक लड़की थी, भाई चाय पीने चलते हैं, मैं चलो चाय पीने चलेंगे। चाय पीने गए तो मैं हमेशा चाय ना उसमें पीता हूँ, कुल्हड़ आता है ना, मिट्टी का ग्लास जो होता है, कुल्हड़ कहते हैं उसे, जिन लोगों को नहीं पता। ठीक है, तो भाई मैं तो उसमें पीता हूँ। सबने बोला कि भाई सारे कुल्हड़ में पियेंगे, आई वाज लाइक भाई फाइन, तो मंगाया। अब मैंने चाय की पहली सिप ली, ठीक है, ऐसे सपोज ये चाय का ग्लास है, मैंने ऐसे ली, मैंने पहली सिप ली, चाय अभी भी मेरे मुंह में है। ठीक है, वो लड़की बोलती यार तुम में से कुल्हड़ कौन खाता है? अरे क्या, और तुम्हें कुल्हड़ का टेस्ट कैसा लगता है? तो मेरे को लगा कि कुल्हड़ में चाय डाल के पीते हैं ना, तो मैंने पहली बात तो ढंग से सुनी नहीं थी, तो मैं कुल्हड़ में चाय, मैं यार मेरे को कुल्हड़ में तो ऐसे मतलब कुछ टेस्ट तो ऐसे अलग फील होता नहीं, बट मेरे को कुल्हड़ में पसंद है। ठीक है, तो बोलती हाँ यार मेरे को भी कुल्हड़ बहुत पसंद है। एंड देन शी टुक अ बाइट ऑफ द फकिंग ग्लास, वो मिट्टी का जो कुल्हड़ था उसको उसने बाइट मारा भाई ऐसे, और ग्लास का इतना बड़ा चंक निकाल के उसके मुंह में, और वो ऐसे कर खा रही है कुल्हड़। ठीक है, और मैं उसे देख रहा हूँ। अब मेरी हो गई मेरे दोस्तों के सामने बेइज्जती बहुत गंदी कि भाई ये रोहन को इतने लड़के पकड़ के लाया, पागल सी कुल्हड़ खा जाती है और मैं उसे देख रहा हूँ, और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उसको और उसको कुल्हड़ को छोड़ के अपने दोस्तों की तरफ देख लूं, क्योंकि मेरे को फील हो रहा था वो मेरी तरफ लुक दे रहे होंगे। मैं अपनी चाय लेके ऐसे खड़ा हूँ, मैं देख रहा हूँ ये इसने अभी क्या करा, और वो चबा रही है। ठीक है, मेरे को मेरे दूसरे दोस्त की आवाज आती, बोले हाँ यार लगते तो है बढ़िया, और फिर मैंने दोस्त की तरफ देखा, वो उसने भी यहां से एक बाइट ली, वो भी खा रहा है। एंड आई वाज लाइक मैं किसी पैरेलल यूनिवर्स में आ गया हूँ क्या, क्योंकि मैंने ये चीज जिंदगी में कभी नहीं देखी पहले। कुल्हड़ कौन खाता है, मिट्टी से बना है वो। ठीक है, एंड आई वाज लाइक व्हाट द फक इज गोइंग ऑन। और उसके बाद आई वाज लाइक एक सेकंड, तुम कुल्हड़ खा, फिर मैंने हिम्मत करके पूछ लिया, तुम कुल्हड़ को खा लेते हो? बोले हाँ खा सकते हैं, काफी लोग खाते हैं। और मैं चला गया शॉक में। तो उसके बाद गए चाय वाले को पैसे देने, तो चाय वाले को पैसे दिए, तो मैंने चाय वाले भैया से पूछा, पांडे जी नाम है उनका, ठीक है, पांडे जी मतलब ये लोग कुल्हड़ खाते हैं? ठीक है, पांडे जी के साथ बहुत फ्रैंक हूँ मैं, कुल्हड़ खाते हैं? बोल तो हाँ खाना खाते हैं लोग। ही वाज लाइक हाँ खाते हैं, इट इज वेरी कॉमन, जैसे पानी पीते लोग वैसे कुल्हड़ खाते हैं। आई वाज लाइक व्हाट, पांडे जी बोलते आधे कुल्हड़ तो वापस ही नहीं आते। मेरा दिमाग फट गया था उस दिन, मेरा दिमाग फट गया था उस दिन, मजाक से हट के।